हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में बवाल बा, तेजस्वी के तंज बा, नीतीश के क्रोध बा। जी हां, बिहार में बच्चों पर बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा। प्राइम टाइम के सबसे तेज तर्रार शो एबीपी स्पेशल में आज बात नीतीश के क्रोध की। बिहार विधानसभा में आज ऐसा बवाल हुआ कि सब देखकर हैरान रह गए। हमेशा शांत दिखने वाले नीतीश विधानसभा में इतना गुस्सा हुए कि उनकी सांसें तक फूल गई। ये क्रोध, ये आक्रोश, और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये खूब बोल रहा है, ये रोष, ये सारे लोग एक बात को जानते हैं, ये प्रतिकार, और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था? बिहार क्या पूरे देश ने भी कभी नीतीश कुमार का ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा होगा। बकवास ही बोल रहा है, तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने भाग दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था? बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े रहे, झुंझलाते रहे, झल्लाते रहे और गुस्साए नीतीश के निशाने पर थे लालू के बेटे तेजस्वी यादव। तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है? हमने तो नहीं कहा था, ये सारे लोग एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर उन्होंने अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? क्यों नहीं सत्रह में एक्सप्लेन किया था? आज चार सीटें हैं, आज चार बिहार विधानसभा में ये हंगामा, ये शोर शराबा, ये बवाल, ये जंजाल, ये विवाद और ये फसाद शुरू हुआ तेजस्वी के एक बयान से। वो बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए नीतीश ने तेजस्वी के पिता लालू से लेकर तेजस्वी तक को उनके परिवार की हकीकत बता दी। मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकपाल में विधायक दल का नेता, क्या पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आप जब इस पर आरोप है, हमने कहा एक्सप्लेन करो। विधानसभा में खड़े नीतीश को गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनका सांस फूलने लगा, उन्होंने मास्क नीचे तक कर दिया था। सारे लोग एक बात को जानते हैं, नीतीश भड़के तो जेडीयू और बीजेपी के विधायक विधानसभा वेल में उतर आए, नौबत हाथापाई तक आ गई। ये तस्वीरें तभी की है। दरअसल ये गुस्सा जो था सिर्फ एक बात के लिए नहीं था, बल्कि तेजस्वी यादव ने बहुत सारे आपत्तिजनक बातें कह दी थी, जिसमें उन्होंने जब एक बार नीतीश कुमार एक भाषण में कहा था कि लोग 8-8 बच्चे पैदा करने के बाद बेटे की चाहत में और भी बच्चा पैदा करते चले गए, इस बात का जो गुस्सा था आज विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ये कहकर निकाला कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक बेटे है, दूसरी बेटी ना हो जाए इसलिए उन्होंने बेटा ही नहीं किया। तेजस्वी के जिस बयान पर नीतीश भड़के थे, वो बयान तेजस्वी ने विधानसभा के बाहर आकर भी दोहराया। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ लोग आपा खो रहे थे, अपना भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। मेरे
अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया, लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो बयान नीतीश ने चुनावी सभा के दौरान 26 अक्टूबर को महानार में दिया था। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते। एक बयान दिया था कि कुछ लोग जो है वो 7-8 बच्चे पैदा करते हैं जो कि उन्हें बेटे की तरह। भाई तो हम मजाक की बात कर रहे, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कह दिया, हम किसी के बारे में कुछ कहने गए तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है। इसी बयान के जवाब में तेजस्वी आज सदन में बोल रहे थे। सदन की कार्यवाही से विवादित हिस्सा हटा दिया गया लेकिन बाहर आकर वो सब उगल गए। अगर मेरे बात को प्रोसीडिंग से हटाया गया, प्रस्ताव दिया गया, तो यानी मुख्यमंत्री की हार हुई है। इससे मुख्यमंत्री आप रिकॉर्ड में देख लीजिए ना, आप रिकॉर्ड में निकाल के देखिए, हमने तो यही कहा था उस समय भी, उनके तो एक पुत्र हैं और है कि नहीं ये वो अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, वो तो वही बता पाएंगे, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें की किस बात की है? आपके कितने पुत्र हैं नहीं है वो हम कैसे जानते हैं, वो तो आप ही बता पाओगे ना। हालांकि मुख्यमंत्री का परिवार भी 5-6 भाई बहन है, सिब्लिंग्स है, तो ये पूरी लेकिन आप तो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं आप कि उनके और भी बच्चे हो सकते हैं। वो आपका कल्पना हो सकता है, वो आपका सोच हो सकता है, हम उस सोच के नहीं है, यही तो मुख्यमंत्री को हमको बताना था और मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा। और बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं थी, तेजस्वी यादव ने तो सदन के अंदर नीतीश कुमार को सजा पाया हुआ मुख्यमंत्री तक बता दिया। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई, जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। और फिर सालों पुराने एक हत्याकांड का जिक्र करके नीतीश के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। मुख्यमंत्री अभी गुस्से में बबूला थे क्योंकि बहुत लोगों को सच पता नहीं थी। हमने तो यही कहा, 91 में केस था, केस हुआ, 2008-09 में फैसला आना था लेकिन टल गया, और 2019-20 में ये फैसला कैसे केस खत्म हो गया ये सब जानते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है। तेजस्वी जिस हत्याकांड का जिक्र कर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो मामला साल 1991 का है। लोकसभा चुनाव के वक्त पर एक केस नीतीश कुमार पर हुआ था जिसमें नीतीश कुमार पर आरोप लगा था। हालांकि पुलिस ने उनसे पूछताछ भी नहीं की थी और आरोप को खारिज कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मामला फिर से चलाने की मांग की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ही इनसे बरी कर दिया। अब नीतीश कुमार से इसी मामले में इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी के तंज पर नीतीश का क्रोध देखा आपने, और अगली खबर आपको बता देते हैं, ये भी बिहार से ही है और बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बिहार में बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट से सुशील मोदी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अगर कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ तो सुशील मोदी 4 दिसंबर को निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे। बंगाल चुनावों में किसका होगा शुभ, ये तो अगले साल चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले ही ममता के शुभ यानी शुभेंदु उनसे दूर जा रहे हैं। ममता की पार्टी में नंबर 2 नेता शुभेंदु ने आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। রবীন্দ্রের রক্ত সত্যেন গোলের রক্ত শ্যামলী মান্নার রক্ত কাজল মন্ডলের রক্ত। 9 নভেম্বর কো হি শুভেন্দু অধিকারী নে
अपने तेवर से जाहिर कर दिया था कि ममता बनर्जी के साथ उनका सियासी सफर ज्यादा दिनों का नहीं रहने वाला। नंदीग्राम जिंदाबाद, जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। जो शुभेंदु अधिकारी 20 दिन पहले तक बंगाल की राजनीति में ममता के दाहिना हाथ होने की हैसियत रखते थे, उन शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। आज परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, कल हुगली रिवर कमीशन पद से इस्तीफा दिया। शुभेंदु नंदीग्राम सीट से अभी विधायक हैं। बीजेपी पहले से ही शुभेंदु के स्वागत के लिए तैयारी करके बैठी है। कांग्रेस भी इतिहास याद दिलाकर साथ आने का न्योता दे रही है। वो टीएमसी के कार्यप्रणाली से नाराज है, उनके भ्रष्टाचार से नाराज है, उनके सिंडिकेट जो उनका व्यवस्था उससे नाराज है, और नाराज होकर वो टीएमसी से अलग अभी अपना एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। पर हाँ, यदि वो बीजेपी में आएंगे तो हम लोग विचार कर सकते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके, और ताकत उनके आने से ताकत तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी ही निश्चित रूप से, और उन्हें जो जिस सम्मान के अधिकारी हैं वो सम्मान भी उन्हें मिलेगा। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह से बातचीत में कहा, शुभेंदु दादा का पूरा परिवार कांग्रेसी था, उनके पिता भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, कांग्रेस छोड़ के ही वो टीएमसी में गए थे। अगर शुभेंदु दादा कांग्रेस में आना चाहें तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे दिन और शाम ही नहीं बल्कि पूरी रात भी खुले रहेंगे। साल 2011 में ममता बनर्जी जब सत्ता में आई उससे पहले सिंगूर और नंदीग्राम में उन्होंने किसानों के साथ आंदोलन किया था। इन दो आंदोलनों ने सीपीएम सरकार को हिलाकर रख दिया। नंदीग्राम में आंदोलन की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, कहा जाता है उसे लिखने वाला कोई नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी ही थे। जमीनी स्तर पर ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रभावशाली नेता बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है। शुभेंदु का सियासी प्रभाव पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और मालदा में है, और इन जिलों के आंकड़ों को विधानसभा के नंबर में बदलेंगे तो करीब 35 विधानसभा सीटें हैं जिन पर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है। हर साल 10 नवंबर को नंदीग्राम दिवस का आयोजन होता है। इस साल पहला मौका था जब एक दिन पहले 9 तारीख को ही शुभेंदु ने हुंकार भर के ममता सरकार की नींदें उड़ा दी। बताया जाता है कि पार्टी में ममता ने जब से अपने भतीजे अभिषेक को ज्यादा भाव देना शुरू किया तब से पार्टी में जनाधार वाले नेता खुद को ठगा हुआ समझने लगे। शुभेंदु की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 12 नवंबर की रात को ममता के सियासी सलाहकार प्रशांत किशोर रात के अंधेरे में उनसे मिलने उनके घर तक गए थे। लेकिन बात नहीं बनी और अब शुभेंदु ने रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। 12 घंटे के भीतर 2 महत्वपूर्ण पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया। शुभेंदु ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन टीएमसी में उनके कई साथी बीजेपी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। कूच बिहार के विधायक मिहिर गोस्वामी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मिहिर गोस्वामी 1996 में भी विधायक रह चुके हैं। बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। ममता को हराने के लिए बीजेपी ममता के घर में ही सेंध लगा रही है। बंगाल में चुनाव अप्रैल मई महीने में होने वाले हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछाने का काम शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस में एक ही है पोस्ट, बाकी सारे लैम्प पोस्ट। बंगाल की राजनीति का ये वन लाइनर राजनीति में रुचि रखने वाले हर शख्स को पता है। ये ममता बनर्जी के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीदी पार्टी के हर फैसले
खुद ही करती है और जमीन से जुड़े पार्टी के सेकंड लाइन लीडरशिप को ये पसंद नहीं है। और राजनीतिक जानकारों का माने तो इसलिए बारी बारी से दर्जनों बड़े नेता पार्टी से जा चुके हैं। और इतना होने के बाद भी पार्टी इन नेताओं को किस तरह की गंभीरता से लेती है, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल के फायर ब्रिगेड मंत्री सुजीत बोस के बयान से मिलता है। इलेक्शन का टाइम हर साल भी ये होता है, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, वो कुछ नहीं होगा और दो एक के बाद हम लोग नहीं बोलेंगे। और हम लोग ये सोचता है जो समुद्र में एक घुटी जल उठेगा तो क्या होगा, समुद्र को सूख जाएगा, समुद्र सूख जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। एक दो क्या होगा उससे कुछ नहीं, टीएमसी इधर है और टीएमसी रहेगा इधर। जवाब में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्नि मित्रा कहती है कि ममता किसी को काम करने नहीं देती, इसलिए मजबूत लोग ममता से दूर जा रहे हैं। जो टीएमसी दल है इसमें माननीय मुख्यमंत्री अपना जो भतीजे है भतीजे को छोड़कर और किसी को इम्पोर्टेंस या मान्यता नहीं दिए हैं। और जो ये अच्छे ऑर्गेनाइजर्स है, ये जो लीडर्स है शुभेंदुदा जैसा, ये लोग अभी कम्प्लीटली साइडलाइंड हो गया है। तो शुभेंदुदा या जो अच्छा काम करते हैं जो लीडर्स टीएमसी का है, इट्स वेरी नेचुरल कि वो लोग टीएमसी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक हम बोलते हैं ना कि एक ही पोस्ट वो है मुख्यमंत्री का और बाकी सब लैम्प पोस्ट, और वो एक पोस्ट के साथ है वो भतीजे का पोस्ट। सो भतीजा और पिशी का बिना, बुआ का बिना और किसी का वहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है। जोड़ तोड़ के साथ बंगाल की राजनीति की गाड़ी सियासी सफर पर निकल पड़ी है। देखते जाइए इस राजनीति में कौन कहाँ किसका साथ छोड़ता है और किसके साथ जुड़ता है। पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना के खिलाफ सहयोग पर भी चर्चा हुई है। ब्रिटेन में भी कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। मुंबई में कंगना की बड़ी जीत हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कह दिया कि कंगना के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर गलत था। देखिए कंगना की सुपरहिट जीत की पूरी कहानी। एक बेटी जिसके सपनों पर बुलडोजर चढ़ाया गया। एक नायिका जिसकी मेहनत को मिट्टी में मिलाया गया। एक वीरांगना जिसने एक सरकार को सीधे चुनौती दी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? एक साहसी जिसने आखिर तक सत्ता से संग्राम किया और अब एक विजेता कंगना, पूरा नाम कंगना रनौत। मुंबई में कंगना रनौत की जंग की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 3 महीने चली इस लड़ाई का एंड भी किसी फिल्म की नायिका की जीत जैसा ही हुआ। जीत कंगना रनौत की। एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाईकोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। कंगना रनौत की सुपरहिट जीत की स्क्रिप्ट आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिखी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, हम किसी भी नागरिक के खिलाफ मसल्स पावर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे सकते। ये साफ है कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई बदले की भावना से की गई। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पूरा प्लान बनाकर की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत की इस विजयी कहानी की शुरुआत होती है इस साल के 9 सितंबर से। मुंबई के पाली हिल्स इलाके में ये इमारत कंगना के मणिकर्णिका दफ्तर की है, जिस पर अचानक इस तरह क्रेन से हथौड़े बरसाए जाने लगे। तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची पीएमसी का दावा था कि ये अवैध निर्माण है, लेकिन बुलडोजरों के वार से कंगना घबराई नहीं। पहले हमले से दुखी होकर कंगना रनौत कुछ देर भले ही शांत रही,
अपने टूटे सपनों की इमारत को देखा और फिर सीधा हमला महाराष्ट्र की सरकार पर किया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मणिकर्णिका दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी तो लोगों को लगा कंगना मुंबई छोड़ देंगी। रिवॉल्वर रानी फिल्म का यही अंदाज जरा देखिए, तब मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था जब सुरक्षा के बीच कंगना मुंबई आई। तब कंगना ने कहा था कि अवैध निर्माण के नाम पर दफ्तर तोड़ा गया जिससे 2 करोड़ का नुकसान हुआ। आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। और आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। शासन प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बीएमसी की कार्रवाई से कंगना के बंगले को जो नुकसान हुआ है उसकी एक स्वतंत्र संस्था से जांच कराई जाए, रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपा जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणी से कंगना का खेमा खुश है तो बीएमसी सफाई दे रही है। लोगों ने तकरीबन 2 करोड़ के नुकसान की भरपाई की बात की थी जब बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी। आप लोगों ने वो सारे सबूत पेश किए थे बॉम्बे हाईकोर्ट को, सारी तस्वीरें बताई थी, 2 करोड़ की मांग की थी और अब हाईकोर्ट ने एक वैल्यूअर तय कर दिया है। जो प्रेयर्स हमने मांगा था हमारे डैमेज को लेके, वो हमको मिल गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और जो एक्शंस थे बीएमसी के, जो मैलिस और मैलिफाइड इंटेंशन से जो भरे हुए थे, उस बारे में कोर्ट्स ने बहुत ब्यूटीफुली उसका जिक्र किया है। तो हर तरीके से ये ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो फायदे में ही रहेगा, मतलब नॉट ओनली फॉर माय क्लाइंट बट आल्सो फॉर मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक। मैडम, जिस दिन कार्रवाई हो रही थी इसी कुर्सी पर आप बैठी थी और एबीपी न्यूज पर देख रही थी कि क्या कुछ गतिविधि चल रही है, आज तो बड़ी फजीहत हो गई बीएमसी के लिए, डांट लगा दी बिल्कुल कोर्ट ने आपको। मुझे नहीं लगता है हाईकोर्ट का अवमान नहीं होना चाहिए, ये जितनी सच्ची बात है तो हमारा एमएमसी एक्ट भी गलत नहीं है। 354A जो नोटिस दी है वो एक नटी के लिए नहीं दिए, ऐसे बहुत ही नोटिस दिए हमने। लीगल सिनेरियो आज जो कोर्ट में घटा वो देखेंगी, स्पष्ट तौर पर शिवसेना और बीएमसी को लेकर बड़ी मुश्किलें हैं। नहीं, मुझे लगता है अभी कोर्ट भी राजनीतिक का अखाड़ा बनाने वाले लोग पैदा हो रहे हैं कोर्ट को भी, तो जिस तरह से नटीनी भाषा की उस तरह से जो हर एक पेपर, हर एक न्यूज़पेपर यह होता है, उन्होंने ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कितने लोगों ने उसको हिंदा एक ही है, लेकिन जो राज्य चल रहा है अच्छी तरह चल रहा है उसको अखाड़ा बना के कोर्ट में जाने का कोई कोशिश कर रहा है तो गलत है। पर्दे पर पंगा लेना कंगना की अदाकारी रही तो असल जिंदगी में यही अंदाज दिखा। और शिवसेना के साथ इस पंगे की शुरुआत तब हुई जब कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। कंगना ने तब ट्विटर पर लिखा था, शिवसेना नेता संजय राउत मुझे खुली धमकियां दे रहे हैं और मुंबई वापस न लौटने की सलाह दे रहे हैं। मुंबई की गलियों में आजादी के बाद अब खुली धमकियां दी जा रही हैं। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों महसूस हो रहा है? इसके बाद तो शिवसेना और कंगना के बीच खूब बयानबाजी हुई। कंगना ने यहाँ तक कह दिया, जो करना है करके दिखाओ। शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी ने इसके बाद दफ्तर तोड़ दिया और सलामी शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस तरह दी गई। अपने मणिकर्णिका के टूटने से नाराज कंगना एक फाइटर की तरह आखिर तक लड़ी और इसी लड़ाई के क्लाइमेक्स का आज दिन था। और कंगना इसे न्याय की जीत बता रही है और बीजेपी शिवसेना के मुंह पर तमाचा। एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरी मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल
गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में. जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है. सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स हू गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी लाइट about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई उससे हमारा कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है. ये बीएमसी की कार्रवाई है, तो अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है तो बीएमसी उसको जवाब देगी. मुझे इतना ही मालूम है, ये जो कोई एक्ट्रेस है उसने मुंबई पुलिस को माफिया कहा था, यही लगता है केस है. क्या ये आज जो लोग उछल रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, क्या ये उनको मंजूर है कि मुंबई पुलिस माफिया है? कंगना रनावत का दफ्तर महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भाव से तोड़ा, ये समूचा देश जानता है. आज न्यायपालिका ने इस सरकार को करारा तमाचा दिया है. अन्याय पर आज न्याय की जीत हुई है. साफ है कि कंगना की इस लड़ाई में किसी फिल्म की तरह बीएमसी का एक्शन था, सियासी डायलॉग थे और साजिशें भी, लेकिन एक नायिका की तरह कंगना आखिर में जीत गई. और अब आज टीम इंडिया की, कोरोना काल का अपना पहला वनडे हारी टीम इंडिया. सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 66 रन से टीम इंडिया को शिकस्त मिली. 374 रन के जवाब में सिर्फ 308 रन ही बना पाया भारत. एक और डॉट बॉल और इसी के साथ ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है. कोरोना काल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में उसी तरह धो दिया जैसे दुनिया संक्रमण को ढकने में लगी है. आगे गेंद डाली थी, उठाकर मारा है. छोटी गेंद, इस बार पिंच तैयार थे, बैकफुट पर पुल किया, चार रन. लेकिन इस पहले मैच में गेंदबाज सस्ते मास्क की तरह दिखे, चौके छक्के के संक्रमण को रोक नहीं पाए. गेंद हवा में और गैप भी, रूम बनाने की कोशिश की थी हवा में और ये कैच. खेल रहे हैं बाउंसर बॉल. तो वहीं बल्लेबाज घटिया सैनिटाइजर की तरह दिखे. दिखने में लगा कि ताकत है, लेकिन हार के संक्रमण को फैलने से नहीं रोक सके. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 374 रनों का पहाड़ खड़ा किया. जवाब में टीम इंडिया 50 ओवर में 8 विकेट पर 308 रन ही बना सकी. तीन वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया 66 रनों से हार गई. टीम इंडिया ने बाद में बैटिंग की तो पहले बल्लेबाजी का हार. हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ने जरूर थोड़ी देर जीत का जज्बा दिखाया, लेकिन दोनों इस जज्बे को ज्यादा देर तक कायम नहीं रख पाए. पांड्या ने 76 गेंद पर 90 रन बनाए तो शिखर ने 86 गेंद पर 74 रन. दोनों ने 127 गेंद पर 128 रन जोड़े. शिखर और पांड्या को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज या तो मैच खेलने के मूड में नहीं था या ऑस्ट्रेलियाई पिचों से सहमा हुआ था. चेज मास्टर कप्तान विराट 21 रन बनाकर चलते बने. ओपनर मयंक अग्रवाल 22 रन बनाकर चलते बने. मिडिल ऑर्डर में आए राहुल 12 रन पर ढेर हो गए.